एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जोई, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज्यादा ना बातें करते हुए, तो आपकी रीडिंग की जो टॉपिक है वो है 2024 में आपके लाइफ में और आप में क्या क्या चेंजेस आपको दिखेगा, उसके रिगार्डिंग हम ले लेंगे गाइडेंस। तो डिटेलिंग में रीडिंग करने वाली हूं, तो थोड़ी सी समय लेके रीडिंग को जरूर से सुनिए। और उससे पहले मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए 2 पाइल रखा हुआ है, और पाइल की जो इमेजेस है आपको दिख रहा होगा। 4 पाइल 1 है काली माँ का कार्ड। अगर आप काली माँ की कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो तो पाइल 1 आपके लिए है, और पाइल 2 के लिए है ब्रिजिट का कार्ड। अगर आप ब्रिजिट की कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हो तो पाइल 2 आपके लिए है। हो सकते हैं कि दोनों पाइल से ही आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दोनों ही पाइल को देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है। जनरल रीडिंग है ना, तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस है, यहाँ पर कुछ मैसेजेस है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हो कि मुझे तो पाइल 1 भी अट्रैक्ट किया तो क्या मैं सुन सकती हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप दोनों ही पाइल को सुन सकते हो, जितना आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो रख लीजिए, बाकी और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो थोड़ी सी टाइम लेके अपनी पाइल को चूज कर लीजिए, और नीचे कमेंट में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहां पर जाके क्लिक करेंगे तो अपने रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ज्यादा ना बातें करते, हाई पाइल 1। तो जिन्होंने भी पाइल 1 को यानी कि काली माँ की कार्ड को चूज किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। ओके, अगर मैं बताऊं कि आपकी जो पावर इंक्रीज हो रही है, उसमें सबसे पहली हाईलाइट है काली फियर रिलीज होना। ओके, मतलब जो भी चेंजेस आप खुद में देख पाओगे, फॉर स्पिरिचुअल हो, मेंटल हीलिंग हो, बॉडी हीलिंग हो, हेल्थ हीलिंग हो, जो भी हीलिंग है उसमें जो भी चेंजेस को आप देखोगे, उसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि ये जो चेंजेस है आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप में एक अलग एनर्जी लेवल हो जाएगी, अलग कॉन्फिडेंट खुद में फील कर पाओगे, एंड एक फियरलेस एनर्जी जहां पर कौन मुझे क्या कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम टैरो से पता कर लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2024 में आप खुद में क्या क्या चेंजेस देखोगे, आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखोगे, ओवरऑल एनर्जी किस बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड जस्टिस, ग्रेट एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी के बारे में ये जो भी है। जस्ट सेकेंड, ओके, जस्टिस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं एक वर्ड में, तो जस्टिस हमेशा कर्म के जो फल है उसके बारे में दिखाता है। आपके जिंदगी में आप कैसा कर्म कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यूनिवर्स आपको क्या दे रहे हैं, क्या आपको मिल रहा है। तो ये सारे कुछ डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं आपके कर्म के ऊपर। तो ये जो साल आने वाला है ये होगा सैटर्न की एनर्जी बेस्ड, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत प्रभाव रहेगा सैटर्न की यानी कि शनिदेव की। तो ये एनर्जी बहुत स्पेसिफिक है कि जो लोग भी स्पेशली कैप्रिकॉर्न्स हो, अक्वेरियस हो, एरीज हो, सैजिटेरियस हो, तो ये जो एनर्जीज है, ये जो राशियां है, लियो हो, आपके जिंदगी में बहुत हद तक काम करेगा कि आप अपने लाइफ में कैसा एटीट्यूड रख रहे हो, कैसे बिहेवियर लोगों के प्रति आपकी है, आप खुद के प्रति खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो। क्योंकि यहां पर मैं जो देख पा रही हूं कि ये जो एनर्जीज है ये आपको क्लियरली आपके जिंदगी की जो रास्ते है वो ओपन अप करने पर हेल्प करेंगे।
ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि आपको वो करना है, ये जो पुश है ये 2024 में स्पिरिट की तरफ से आपके लिए होगा। बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड, ओ माय गुडनेस, ओके, सो वाओ। उसके बाद वाओ, टू मेजर अरकानास पहलवान, कैन यू बिलीव, बहुत बहुत बड़ी एक ईयर आपके लिए रहेगा। आई मस्ट टेल यू, ये जो ईयर है, जो लोग भी इस, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया है, उनके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। आप खुद में फील कर पाओगे, मतलब पावरफुल एक एनर्जी। ये देखो एम्परर, एम्परर को हम पावर के साथ तोलते हैं कि कितना पावरफुल है ये, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आप समझ पाओगे। तो इस पावर को आप फील करोगे, वाओ माय गॉडनेस, कितना खूबसूरत है एनर्जी। लेट्स सी और क्या है फॉर माय पहलवान। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग, एज आई टोल्ड यू, देखो हील कर पाओगे, ठीक है, मतलब खुद को उन सारी जालों से मुक्त कर पाओगे जहां पर कहीं ना कहीं अटके हुए हो, फंसे हुए हो, यू नो, कुछ चीजें जो आपको हर्ट कर गई है पास्ट में, जो चीजें, यू नो, जो भी वूंड्स है वो कवर अप होगी। ये बहुत एक मेजर है, और ऑलरेडी अगर अभी भी आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, तो 2024 आपके लाइफ में आपको इतना बिजी कर देगा या फिर इतनी सारी चेंजेस आपके सामने होगा कि खुद ब खुद वो वूंड्स जो है वो हील हो जाएगी, और आप खुद ब खुद छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि वो बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं मायूस हो, कुछ चीजें हैं जो कि आपने दबा कर रखी है, अभी भी अंदर है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि आई एम फाइन, बट है वो चीजें हैं अभी भी, तो वो जो वूंड्स है वो क्लियर करेगा 2024। ओके, इस ऑब्जर्वेंस, एज आई टोल्ड यू, सी क्लैरिटी है, क्लियर मैंने बोला ना, देखो यहां पर है इस ऑब्जर्वेंस की एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वंड्स की, किंग ऑफ वंड्स अपने अंदाज में अपनी जिंदगी को बनाना है, कोई भी लोगों के बातों में ना आना, अपनी आप चीजों को हैंडल करना, अपनी तरीके से अपने लाइफ को ले जाना, ये जो एटीट्यूड है ये है किंग ऑफ वंड्स की। तो 2024 में आप इन एटीट्यूड में ही चलने वाले हो, ऐसे एटीट्यूड में ही आप रहने वाले हो। लेट्स सी हमें और क्या गाइडेंस मिलती है, और हमें क्या पता चलता है कि 2024 आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला रही है। ये हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस, अभी देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आ रही है। ओके, सो थैंक यू, ब्लेसिंग्स क्या है 2024 की, ब्लेसिंग्स क्या है, थैंक यू, 2024 की ब्लेसिंग्स क्या है फॉर माय पहलवान। ओके ओके ओके, नंबर 25 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 2, 5 ऑल्सो एंड 7। ओके, क्लिंजिंग, तो क्लिंजिंग, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो क्लियर अप हो रही है। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है कि लोगों की नजर आपके ऊपर बहुत है, या फिर आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, या फिर आप लोग अगर ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो, इफ अगर बिलीव करते हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, तो वो चीजें भी क्लियर अप हो रही है 2024 में। तो आपके शरीर में दर्द होना एंड अच्छा मूड स्विंग्स हो जाना, और अच्छा नहीं लगना, काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं बैठ रहा है, तो ये अगर आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो, तो आई मस्ट टेल यू कि कुछ ना कुछ है जो कि आपको रोक रहा है। ओके, ये ब्लैक मैजिक से भी हो सकती है, या फिर ये किसी का नजर लगना, बहुत जल्दी लग जाती है, तो वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर होती है। तो जो लोग बिलीव जिसमें करते हो वो ले लीजिए, बाकी और लोग के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि समझिए क्या कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मुझे जो दिखेगा मैं बताती जाऊंगी। ओके, सो हैप्पीनेस, या ये आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को। देखो जब चीजें कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके मुताबिक हो रही हैं, आप जैसा चाह रहे हो, जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीजें वैसा हो रही है। अगर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसा चाह रहे हो वो अगर नहीं बन रहा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा से मतलब ये है कि
ऐसी चीजें आपको स्पिरिट दे देंगे कि आपको लगेगा अरे ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा था और ये इतना बड़ा मुझे मिल गया। तो एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा अट्रैक्टिव एनर्जी बोलो या फिर मैजिशियन की एनर्जी बोलो, मतलब क्या बताओ बहुत इंटरेस्टिंग है माय गॉड पाइल वन। जो भी 2024 रहेगा ना आपके आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आई मस्ट टेल यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए। थैंक यू थैंक यू। और है क्या आपके लिए लॉन्गजीविटी का है ना, मतलब जो रहेगा स्टेबल होगा। अब जो जॉब के लिए, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आप जो जॉब ट्राई कर रहे थे, बेसिकली एक जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन आपका चल रहा था, बट क्या हो गया कि किसी ने कुछ सजेस्ट किया या फिर कहीं पर से आपको कुछ पता चला और यू नो बूम दूसरा जॉब लग गया, और ऐसा जॉब लग गया जो कि आप यू नो इंटेंशनली आप उसको मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे थे और आपको मतलब आइडिया ही नहीं था कि उतना अच्छा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर वैसा है, जो इंसान को आप पसंद नहीं कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स बदल सकता है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपका थॉट उनके प्रति गलत हो सकता है कि आप जितना गलत समझ रहे थे उतना नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना यहाँ पर है ऑल्सो 2024 में, और किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात ये है कि सपोज आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर जिस इंसान को अपने सर पे बैठा कर रखा हुआ था, मे बी हो सकती है 2024 में उन्होंने अगर आपको कहीं से भी हर्ट किया है तो 2024 आपकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान को ला दे जो आपकी ड्रीम पार्टनर हो। ओके, सो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पहलवान, आपके लिए वो उससे ज्यादा है, उससे बेटर है। ठीक है, वो दिख पा रही हूं, मतलब ज्यादा रीडिंग में ये आती है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा होता है, बट यहाँ पर उससे भी बेटर है आपके लिए कुछ। तो 2024 आपके लाइफ में एक मेजर रोल, मेजर शिफ्ट लाने वाली है। रेडी हो जाइए, कस के पेटी बांध लीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स बोलना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं लास्टली कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर माय फालवान फॉर 2024। सनफ्लावर, या दैट्स ग्रेट। ये सन की एनर्जी दिख रहा है, गाइडेंस में आ रही है, यानी कि राइज अप। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। जो है यू नो जैसा है जो है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हो 2024 में तो खेलने लगोगे। बेसिकली हमेशा बड़े बुजुर्ग हमारे बोलते हैं कि आपके पास जो रहता है अगर आप उससे सेटिस्फाइड होते हो, उससे खुश रहना सीख लेते हो, तो आपसे ज्यादा खुश किस्मत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इन चीजों को ये पहलवान जल्दी ही समझ ले वाला है, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों को यू नो ऐसा स्टार्ट होना शुरू हो गया, फील होना शुरू हो गया। सो देख लेते हैं लास्ट गाइडेंस कार्ड के। ओह वाओ, ब्रीद। सो यहाँ पर हो सकते हैं योगा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर सुबह उठ के यू नो मॉर्निंग वॉक करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना, तो इस पाइल के लिए बहुत अच्छा है। काम रेस्ट एंड स्टॉप जस्ट बी। सो ये भी आपके लिए गाइडेंस है क्योंकि 2024 बहुत फास्ट फॉरवर्ड रहने वाली है, तो हो सकते हैं कि आप अपना काम में इतना बिजी हो जाओ कि रेस्ट भी ना कर पाओ या फिर खुद को टाइम ना दे पाओ, लेकिन ऐसा नहीं करनी है। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपको दौड़ना है तो डेफिनेटली आपको रेस्ट भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दौड़िए उसके बाद रेस्ट करिए फिर से दौड़ना स्टार्ट कीजिए। तो ये गाइडेंस स्पिरिट की तरफ से आपके लिए है ताकि आप अपनी जिंदगी में उन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर पाओ जिसके हकदार हो आप। 2024 मस्ट बी आपके लिए बहुत बूम वाली रहने वाली है। ओके, सो या थैंक यू यूनिवर्स को बोलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। हाय पाइल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ब्रिजिट की कार्ड को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये कार्ड आपको जो इंडिकेशन दे रहा है 2024 के लिए,
आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ने वाली है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पाइल वन भी अट्रैक किया है, अगर किया है मस्ट बी पाइल वन को देखिए क्योंकि एनर्जी सिमिलर है। फिर हम कार्ड्स को शफल करेंगे और मैसेजेस को चेक करेंगे। एनीवेज, तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिख रहा है इस पाइल में, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अदरवाइज कोई और भी साइन हो सकता है, बट डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। अगर हम इस कार्ड को रीड करें तो इसमें क्या है, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। यस, इट्स ऑल अबाउट पावर जो कि आप 2024 में फील करने वाले हो डेफिनेटली। सो दूसरी बात, एक चीज देखो तो यहां पर कहीं ना कहीं मूव बैक होना है, मतलब आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए टू स्टेप मैं जैसे कि आपको देख पा रही हूँ कि बैकवर्ड की तरफ है। जैसे कि आप के लिए मैं बताऊं, अगर आप अपने शेर को कभी देखा है जब वो शिकार करता है, तो शेर हमेशा शिकार को जकड़ने से पहले ना टू स्टेप्स बैक की तरफ लेता है, पीछे की तरफ लेता है और उसके बाद ही छलांग देता है। तो यहाँ पर वो शेर की एनर्जी है, यू नो, स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ की कार्ड आप में से बहुत सारे लोगों को पता है क्योंकि आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, तो स्ट्रेंथ की कार्ड में एक लायन होता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है आपके लिए, वो लायन मुझे दिख रहा है कि जिससे किसी से डर नहीं है, वो अपने आप में इतनी ज्यादा पावरफुल है, अपने आप में इतनी ज्यादा कंप्लीट है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की फिक्र करने की। तो मुझे 2024 में आप जो भी, जैसा भी डिसीजन ले रहे हो, जैसा भी बोल रहे हो, जैसा भी चल रहे हो, जैसा भी खा रहे हो, जैसा भी पर रहे हो, या फिर आप वेयर कर रहे हो, मतलब यू नो जो भी आपकी क्लॉथ्स है, तो सारे कुछ में एक ऐसी अलग अट्रैक्टिवनेस है कि आप चीजों को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और यहाँ पर फायर दिख रहे हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी है, आप कोई भी राशि के हो सकते हो, बट यहाँ पर वो एनर्जी मुझे शो हो रहा है। लेट्स सी कि आपके टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके, थैंक यू फॉर माय पाइल टूल्स। ओके, ग्रीन कलर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट कलर हो सकती है, या फिर इस साल में ग्रीन कलर आप अगर वेयर करो तो पॉसिबिलिटीज है आपके लिए लकी कलर साबित हो। या आप में से बहुत सारे लोग अपने हेयर को स्टाइल करने वाले हो, मतलब अपनी लुक्स को चेंज करने वाले हो, जैसा आपकी लुक्स है। हो सकती है कि आप अपने हेयर को कर्ल कर लो या फिर स्ट्रेट कर लो, या फिर आप अपने यू नो हेयर की ट्रीटमेंट करो, बोटॉक्स लो, तो जो भी है हेयर ट्रीटमेंट यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए दिख रहा है। इससे अलावा भी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है, हो सकती है कि आपकी कोई बॉडी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, तो जो भी है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है या फिर आपके लुक्स हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकती है, एक ट्रांसफॉर्म कुछ ना कुछ आप अपनी बॉडी में कर रहे हो, कुछ ना कुछ है। ओके, सो कोई भी पार्ट्स हो सकती है बॉडी का। एनीवेज, फिर हम देख लेते हैं और क्या है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी स्टेबिलिटी को दिखाता है। देखो कितनी कॉन्फिडेंट है और कितना हंस रहा है एक कॉइन हाथ में लेके, उसके अराउंड जितनी भी सारी चीजें है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर देखोगे एक स्नेक है, लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है कि स्नेक है क्या है। वो अपने आप में इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसको पता है कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ और कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकता यहाँ पर से। तो बेसिकली वो एनर्जी यहाँ पर आपकी रहेगी। टू क्वींस, माय गॉड, ये पाइल क्या है? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी। एज आई टोल्ड यू, आपको मैंने जैसे कहा कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको जैसा लगेगा, जो लगेगा आपको, जैसा सही लगेगा आप वैसे आगे बढ़ रहे हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी रहेगी। बट या आई मस्ट टेल यू, आप में से बहुत सारे लोग सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने डेफिनेटली फेस किया है, दैट्स वाई आपकी जो अभी एनर्जी है ना थोड़ी सी
घूम गया है, घूम गया है मतलब अभी आप थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, अगर आप मुझे उंगली दिखाओगे तो मैं भी आपको दिखाऊंगी, ओके? तो डेफिनेटली ऐसी एनर्जी इस दौरान पे 2024 में आप अपने दो साइड को फेस करोगे। एक साइड रहेगा जो कि मदरली, बहुत काम, बहुत खूबसूरत, बहुत एलिगेंट, और दूसरी साइड रहेगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको कुछ बोलने पर फर्क नहीं पड़ता, उसको जो सही लगेगा वो कर देगा, अगर कोई हर्ट भी हो रहा है तो भी उसको यू नो उस टाइम पीरियड में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये एनर्जी आप फेस करोगे डेफिनेटली, ओके? लेट्स सी के और क्या है आपके लिए 2024 में, आप खुद में क्या चेंजेस देखोगे, ओके? वाओ, फाइव ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, मैंने जस्ट मेंशन किया आपको, कुछ ना कुछ है जो आपने फेस किया था, यू नो कुछ आप किसी ने आपको हर्ट किया है या फिर कुछ गलत लगा या फिर आपने जो जो फेस किया उसी का रिफ्लेक्शन ये क्वींस की एनर्जी दिखा रहा था मुझे। और ये देखो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया, तो हो सकती है कि क्योंकि आप अपने रास्ते पर बहुत क्लियर रहोगे तो लोगों के साथ आपकी कम बने 2024 में, ओके? आर्ग्यूमेंट्स में मत जाना, ये गाइडेंस दूंगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप बाहर से जितनी भी स्ट्रिक्ट हो अंदर से उतनी ही काइंड हो, ओके? जितनी भी स्ट्रिक्ट दिखा लो अंदर से आप रहोगे तो सॉफ्ट हार्टेड, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको बैकफायर करेगा। तो इससे बेटर है कि किसी को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोच लो, क्योंकि बोलने से बाद आप शायद रिग्रेट कर सकते हो कि क्यों मैंने किया, मैं ना करती तो अच्छा होता। तो ये एनर्जीज है आपकी, कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी एनर्जीज ऐसी है, ऐसी बन रही है, ओके? तो मैं जो आपको बोलती जा रही हूँ उस चीजों में आप काम करना ताकि वो चीजें आपको बैकफायर ना करें, ओके? वन मोर कार्ड फॉर माय हेल्थ ट्रूथ्स, ओके? एस ऑफ कप्स, या मैंने ये कार्ड से ही देख लिया आपकी एनर्जी, मुझे और कार्ड देखने की जरूरत नहीं है। विद दिस एस ऑफ कप्स इमोशनल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड पर्सन को यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ओके? अगर कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऐसा पार्टनर को पाओगे जो कि आपके प्रति लॉयल रहेगा, ओके? एक और चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पर सेम जेंडर की अगर कुछ लोग यू नो प्रेफर करते हो सेम जेंडर में रिलेशनशिप में जाना, तो ये आप लोगों के लिए डेफिनेटली है, पॉसिबिलिटी है। और एक और चीज भी है यहाँ पर कि वाओ, इन्वेस्ट करना है यहाँ पर, अपना इमोशन को कहीं पर इन्वेस्ट डेफिनेटली करने से पहले आप 10 बार सोचोगे, ये चीज तो है। और थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हो सकते हो आप लोगों में से, बहुत सारे लोग डेफिनेटली इंट्रोवर्ट एक एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बट हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद को 10 बार सोचोगे, आपकी एनर्जी मुझे वैसा दिखा रहा है, क्योंकि है कुछ चीजें है जो कि यहाँ पर अगर बताने जाऊंगी तो बहुत कुछ है, बट है डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो चीजें आपके दिल में है, ये आपको पता है और मुझे दिख रहा है। सो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन चीजों को आप हील करोगे और अपने आप में एक चेंजेस लाने की कोशिश करोगे, ओके? सो ये हो गया आपके पर्सनालिटी में चेंजेस को, देख लेते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप ला रहे हो, लाइफ में चेंजेस मैनिफेस्ट करोगे। ओके, फाइन, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड मुझे देखा, चलो, ओके, करेज, ओफ, इमोशन, फाइल टू पहने के ना मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ आपकी रीडिंग करते हुए, क्योंकि मुझे एक बहुत भारी एनर्जी फील हो रहा है, जैसे कि दर्द होना, एक दिल पे जब दर्द होती है ना तो आपके आपकी एनर्जी को रीड करके जैसे कि वो दर्द मैं फेस कर पा रही हूँ।
कुछ ना कुछ है जिसके लिए मैं कहने के बहुत सॉरी फील कर पा रही हूँ आपके लिए। बहुत हेवी एनर्जी है, आसान नहीं है। मैं पायल टू की जो एनर्जी रीड कर रही हूँ, ये जो आप दिखा रहे हो ये है ना, ये दोनों जो एनर्जी है ये बाहर की है और ये जो दो एनर्जी है आपके अंदर की है। सो आप इस वक्त पे कोशिश कर रहे हो ताकि आप आपके अंदर स्ट्रांग हो पाओ। आप बाहर से तो आप दिखाते हो, बाहर से आप ऑलरेडी हो, बाहर से खुद को स्ट्रांग बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंदर की बात है जो कि अंदर है छुपा हुआ इमोशन, एस ऑफ कप्स इमोशन, सेम एनर्जी, जो कि इमोशनली, जो इमोशनल हो आप जितनी काइंड हो, जितनी सॉफ्ट हार्टेड हो, आप कोशिश कर रहे हो कि खुद को मोटिवेट कर रहे हो, खुद को ही खुद मोटिवेट कर रहे हो, खुद को ही खुद पुश कर रहे हो, ये स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। वो मुझे दिख रहा है प्रोडक्टिविटी, इन्वेस्ट करना, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपनी इमोशन को किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो, करियर पर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि वर्थ इट है। कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, अगर कहीं पर कर रहे हो तो वो वर्थ इट रहेगा, ये मैं आपको कन्फर्मेशन दे रही हूँ। ओके, अगर 2024 में आप कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्ट करते हो, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना इमोशन, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो वर्थ इट रहेगा क्योंकि वो वापस आएगा आपके पास। ओके, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। फॉर माय फाइल टूज, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्पेड बोल रहे हैं स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, क्योंकि आप बहुत हिम्मती हो, हैट्स ऑफ फाइल टू, हैट्स ऑफ। वाओ, फॉर माय फाइल टूज, क्या है गाइडेंस इनके लिए? ओके, स्पिरिट बहुत सोच रहे हैं आपको देने से पहले कुछ ना कुछ। ओके, तो देख लेते हैं। प्यारे इंसान, मुझे ऐसा सुना आपके लिए, प्यारे इंसान। ओके, ट्रू फीलिंग्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी किसी की ट्रू फीलिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। विद इन यू इज ऑल यू नीड टू नो, आप क्या फील कर रहे हो खुद से एक्सेप्ट कर लो, तो फिर ना तकलीफ कम हो जाती है। किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ उसने मुझे हर्ट किया है, इससे मैं दुखी हूं, और उसके लिए अगर आपको लग रहा है कि रोने की जरूरत है, रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट हाँ, आपको वो बाहर लाने की जरूरत है, क्योंकि जितना अंदर रहोगे, क्योंकि विद दिस फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे दिख रहा है अंदर से बहुत ज्यादा घुट रहे हो, ये चीज बाद में जाके बैकफायर करेगी, यू नो, हेल्थ के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। ओके, सो ये चीज आपको देखनी है 2024 में, जो भी हो रहा है उसको आप तुरंत के तुरंत एक्सेप्ट कर लो और मूव ऑन कर लो। ओके, चलो फॉर माय फाइल टूज, और क्या है, दैट्स व्हाई स्पिरिट बहुत सोच रहे हैं कि आपको क्या गाइडेंस दिया जाए ताकि आपकी जो रास्ता है वो क्लियर रह पाए और आपको सही दिशा मिले। वाओ, स्पिरिचुअलिटी, वाह, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ स्पिरिट करने की ढकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप कनेक्टेड रहो स्पिरिट से और आपको हमेशा आपकी जो रास्ता है वो क्लियर रहे, क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी है जो आपको हील करेगा, एक स्पिरिचुअलिटी है जो आपको रास्ता दिखाएगा। तो मेडिटेशन, मैंने आपको बोला था कि योगा, मेडिटेशन, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ व्हाट यू बिलीव। ओके, जो आपकी बिलीव सिस्टम हो सकती है कि आप किसी पर्टिकुलर एक चीज में विश्वास करते हो या फिर एक गॉड में विश्वास करते हो। मैं सपोज आपको बता रही हूँ कि हो सकते है कि आप भोलेनाथ को बहुत विश्वास करते हो सकते है कि आप कृष्ण को बहुत विश्वास करते हो सकते है कि आप योगा करने में बहुत बिलीव रखते हो कि योगा करूंगी तो यू नो हेल्थ अच्छा रहेगा, जॉगिंग करूंगी, मेडिटेशन करूंगी। तो बिलीव कहाँ पर है आपके, आपकी बिलीव सिस्टम जहाँ पर स्ट्रांग होती है वो चीज करो, क्योंकि वही आपके लिए बहुत असरदार साबित होगा 2024 में। ओके, जहां पर आपका विश्वास रहता है वो काम करो, जहां पर आपको लग रहा है कहीं पर भी आपको अटक रहा है, शक हो रहा है, वहां पर मत जाओ। ये सबसे बड़ी गाइडेंस
स्पिरिट ने आपको दे दिया 2024 के लिए। अगर अंदर से लग रहा है कि ये करना चाहिए तो जस्ट गो फॉर इट, अगर नहीं लग रहा है तो वहीं पर ही रुक जाओ, स्टॉप। ओके, सो या बालजो, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आपको इससे क्लैरिटी मिली है, तो यूनिवर्स को जरूर से जरूर थैंक यू बोल के जाइए कमेंट में। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।